श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की ओर से बच्चों के लिए प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया गया है और ये नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम होता है, जिसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर शैलेश गोदिका जी हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो इवेंट है उसकी थीम क्या है, किस तरीके से बच्चों को कृषि में जो रोज़गार उपलब्ध हैं उन रोज़गारों तक उनकी पहुंच बढ़ाना, कंपनियों को बुलाना एक नया इनिशिएटिव है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं, कितनी सफलताएं बच्चों को और कॉलेज को मिलने वाली है? पहले तो आपको धन्यवाद बहुत। जैसा आपको पता है, इस जोबनेर का इतिहास बहुत पुराना है जी। 1947 का ये कॉलेज है और यहाँ का इतिहास ये कहता था कि यहाँ पर जो नौकरी जो भी एक यहाँ से पढ़ाई कर लेता था जी, उसको जॉब की कोई कमी नहीं होती थी, इसीलिए नाम भी इसका जोबनेर, जॉब वाला। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से कृषि में भी प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है और हमारे भी कॉन्स्टेंट कॉलेज बहुत सारे खुल रहे हैं जी। तो हमारे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है ग्रेजुएट्स की जी। उस अनुपात में हमारी जो सरकारी नौकरियां हैं वो इतनी नहीं है कि वो उनको सबको मिल सके। तो ज़्यादातर हमारे बच्चे पहले या तो बैंकों में जाते थे या सरकारी नौकरियों में एब्जॉर्व हो जाते थे। ऐसी कोई कभी कभी कमी नहीं रही कि सब हमारे बच्चों को कमी रही हो जॉब की। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ये आ रही है कि हमारे बच्चों को आसानी से जॉब नहीं मिल रही है और साथ ही कृषि में और ये जो ऑर्गेनिक एरा चल रहा है इसको देखते हुए कृषि की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसमें ख़ास तौर से जो बीज की कंपनियां हैं या जो हमारे पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं या जो हमारी ऑर्गेनिक वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों में जो कार्य करते हैं वो पहले वो जो जनरल अपने जो नॉर्मल जो स्टूडेंट होते थे या बीकॉम करने वाले या और अपने बिजनेस क्लास के वो लोग ही इसमें काम कर लेते थे। इवन MBA भी उसको अपने आप को कर लेता था, लेकिन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं जानने की वजह से उनको कई दिक्कतें आती थी। अगर हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इन कंपनियों में नौकरियां करते हैं तो उससे ना सिर्फ समाज का फ़ायदा होता है बल्कि एक सही अनुपात में सही तरीके से वो चीज़ों का इस्तेमाल करवाते हैं। ख़ास तौर से जो आप देख रहे होंगे कि जो हमारी दवाइयों का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो केवल नॉलेज की कमी की वजह से हो रहा है। जो हम बताते हैं, साइंटिस्ट लोग बताते हैं, उस दवाई का अनुपात उससे कई गुना ज़्यादा खेतों में छिड़का जाता है और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो बताने वाले हैं वो कृषि के बारे में जानते नहीं है, कृषि शिक्षा के बारे में जानते नहीं है। अगर जो जानकार कृषि का है वो उसको बताएगा तो ये उसी अनुपात में खेतों में जाएगी और उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ जानकारी बहुत ज़रूरी है कृषि के जो विभिन्न सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर्स का आँख का अपना काम होता है, नाक का डॉक्टर अपना होता है, इसीलिए कृषि में भी कीट का अपना काम होता है, व्याधि का अपना काम होता है, बीज बनाने का अपना काम होता है। तो ये सब अलग अलग डिसिप्लिन है, उन डिसिप्लिन वालों से अगर अपन जानकारी करके आगे बढ़ें तो इस तरह से। अब आपने पूछा था कि ये प्रोग्राम, ये आयोजन क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा क्या है, जैसा आपने बताया कि NAHP का हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ा, उस प्रोजेक्ट में हमारे को एक मैंडेट था कि भाई कृषि का मेला लगाया जाए, एक जोबनेर फेयर लगाया जाए, तो वो उसके तहत हमने इसको लगाया है। लेकिन इसको कंटिन्यूस भी हम करते हैं इस तरह से, हमारे जो बच्चे हैं फोर्थ ईयर के या MSc के, अगर हमारे पास कोई भी कंपनी आती है तो हम रेगुलरली उनको उनके जो रिज्यूम्स हैं वो उनसे ऑनलाइन शेयर करते रहते हैं और जब भी किसी को ज़रूरत होती है वो हमसे बात करता है और हम उनको बच्चों को प्रोवाइड भी कराते हैं। आज VC साहब ने के सामने आपने अपनी बात रखी कि इंटर्नशिप की जी, परमिट की, तो वो एक नया रास्ता आपने खोलने का प्रयास किया है, तो उसका क्या महत्व रहेगा और किस तरीके से? देखिए, मैं जैसा जानता हूँ अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो बच्चे करते हैं या MBA भी जो बच्चे करते हैं उनके इंटर्नशिप का एक पैटर्न होता है जी, वो पहले साल से इंटर्नशिप में जाना शुरू कर देते हैं और उनको उसका पैसा भी देती है कंपनी। तो वो पैटर्न अभी हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक रेड्डी का एक साल का प्लान चलता है फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए। उस रेड्डी में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तरह से इंटर्नशिप करने जाएं किसी कंपनी में और वो कंपनी उनको छोटा मोटा स्टाइफंड भी दे और साथ ही साथ वो उससे बहुत कुछ सीख के आएँ और हो सकता है कि वो उस कंपनी में नौकरी भी कर लें आगे जाके, ताकि उनका भविष्य भी सुदृढ़ हो जाए। तो ये इंटर्नशिप अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे जो सब्जेक्ट का करिकुलम है वो इस तरह का कर दें कि हम फोर्थ ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजना ऑफिशियली शुरू कर दें, तो लेकिन ये एक शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में बोर्ड ऑफ स्टडी में या कहीं और हम इस चीज़ को रखेंगे ताकि हमारे जो कोर्स करिकुलम में उसको इसमें जुड़वा ही दिया जाए सब्जेक्ट में, ताकि ये बच्चों के लिए एक बहुत फ़ायदे का सौदा सिद्ध होगा आने वाले समय में। निश्चित रूप से कृषि में रोजगारों को अवसर बढ़ाने के लिए जी, और जो रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं उन तक बच्चों की पहुंच पहुंचाने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।